जब सबसे बड़े दल सत्ता में वो ही कह रही है उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के की मुख्यमंत्री आवास खाली करना होगा और शराब माफियाओं से जिला प्रशासन मिली हुई है, अब तो कुछ बचा नहीं। नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमला, गाली गलौज, तुम तड़ाक, एक दूसरे को ही नंगा करने में जेडीयू बीजेपी लगी हुई है। हर बीमारियों की एक ही दवाई है इस सरकार की विदाई। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार सहयोगी दल में ही तानातानी लगातार मची हुई, जिस तरीके से नालंदा में जहरीली शराब से मौतें हुई और मौत की आंकड़ा लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर के बीजेपी और जदयू में तानातानी लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बात करेंगे सर, जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हुई इसके बाद तानातानी बढ़ी हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहरीली शराब से बिहार की जनता मर रही है और शासन में सत्ता में बैठे दो बड़े दल आपस में लड़ रहे हैं। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे मुख्यमंत्री आवास खाली कराने की धमकी दी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी का मान सम्मान स्वाभिमान है बचा हुआ तो अंतरात्मा को जगाना चाहिए और बीजेपी को करारा जवाब देना चाहिए, कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए। जब सबसे बड़े दल सत्ता में वो ही कह रही है उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के की मुख्यमंत्री आवास खाली करना होगा और शराब माफियाओं से जिला प्रशासन मिली हुई है, अब तो कुछ बचा नहीं। नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमला, गाली गलौज, तुम तड़ाक, एक दूसरे को ही नंगा करने में जेडीयू बीजेपी लगी हुई है। तो अब ये तो बिहार की जनता देख रही है, पाई पाई का हिसाब इन लोगों से जनता लेगी, सत्ता में बैठे हुए लोगों से। इन्होंने बिहार की ये दुर्दशा कर दी, बिहार को बर्बाद कर दिया और सत्ता के मोह में एक दूसरे से गलबैया किए हुए हैं और साफ नेवले की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और लोग यहाँ बिहार की जनता पिस रही है। अब सारे चीज़ों पर नज़र तेजस्वी यादव जी की है, मुख्यमंत्री जी पर भी बिहार की जनता की नज़र है कि मुख्यमंत्री जी अपमान सह करके भी बोले रहेंगे या अपना मान सम्मान को बचाएंगे, अंतरात्मा को जगाएंगे, कुर्सी का मोह छोड़ेंगे, अब ये देखना है। आरजेडी की क्या मांग रहे? हमारी मांग स्पष्ट है कि कुर्सी खाली करो, हर बीमारियों की एक ही दवाई है कि इस सरकार की विदाई। हमारा स्पष्ट मानना है इस सरकार के रहते बिहार का भला होने वाला नहीं है, इसलिए हर बीमारी की एक दवाई जल्द से जल्द हो, इस डबल इंजन सरकार की विदाई। विदाई लगभग तय मानी जा रही है, देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है वो कार्यकर्ता गिनवा रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे थे, खेला की बात, खरमास खत्म हुआ, यही खेल देख लीजिए कौन सा खेला कर रहे हैं ये लोग सत्ता में बैठ करके, इसी खेला की ना बात कर रहे थे, इस तरह से लड़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? चलिए चलिए, तो आप देख सकते हैं आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि जो सरकार की है विदाई तय है, खड़मास खत्म हो गया है, अब खेला शुरू होने वाला है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जदयू और भाजपा में जो तनातनी है क्या वो सहम जाती है, क्या वो रुक जाती है, या फिर सच में कुछ खेला होगा या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।